हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और ये रेसिपी है बिना मैदे से केक। जैसे आप इसे आसानी से घर पे बना सकते हो, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और साथ में हेल्दी बनता है। और बिल्कुल देखो कितना सॉफ्ट बना है, कितना बढ़िया बना है। इस केक को बनाने के लिए ना ज्यादा समय और ना ज्यादा ही सामान की आवश्यकता, इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होगी। इसके लिए लिया है हमने बासमती राइस, बासमती चावल लिए हैं। आप इसकी जगह कोई और सा चावल भी उपयोग कर सकते हो। इसे हम 2 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। और इसके बाद हमने लिया है बटर, उसमें हमने ड्राई फ्रूट्स ले लिए। इसे अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे। इसमें आप अपने मनचाहे अनुसार भी ड्राई फ्रूट्स मिला सकते हो, जैसे पिस्ता हो गया है, खारिक हो गया है, वो भी मिला सकते हैं। और उस बटर से जो बचा हुआ है उससे हम केक टिन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और ये चावल अच्छे से भीग चुके हैं और इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे और इन्हें अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। इनका बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाएंगे। तो इसमें अगर पानी नहीं मिलाएंगे, इसमें हम मिलाएंगे दूध, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिच बनने वाला है ये केक। ये देखिए हमने दूध मिला लिया है। दूध इतना मिलाना है आपको इसमें कि चावल का लेवल के ऊपर आ जाए दूध। और ये देखिए अच्छे से इसका पेस्ट बन चुका है। आप देख पा रहे होंगे कि कितना फाइन पेस्ट बना है, इसमें एक भी चावल नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ये नहीं होता है तो आप इसमें दूध थोड़ा सा और ज़्यादा मिला सकते हैं, पर बेहतर यही होगा कि आप थोड़ा जो दूध लें वो थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। इसमें मिला रहे हैं गुड़। गुड़ का स्वाद बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम गुड़ मिला रहे हैं। आप चाहे तो चीनी मिला सकते हैं, पर गुड़ मिला के अगर आप देखेंगे बहुत अच्छा स्वाद आएगा। इसमें मिला रही हूँ मैं इलायची पाउडर। वैसे तो केक में वनीला एसेंस मिलाया जाता है। और इसे हम दोबारा ग्राइंड कर लेंगे ताकि गुड़ के जो पीसेस हैं वो अच्छी तरीके से ग्राइंड हो जाए। और ये देखिए कितना बढ़िया पेस्ट बन गया और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप ज़रूर बना के देखिएगा, ये केक बहुत स्वादिष्ट लगता है। और इसे हम केक टिन में डाल देंगे इस बैटर को, और इसे हम रखेंगे स्टीमर में। ये देखिए हमने स्टीमर तैयार करके रख लिया। इसमें हमने थोड़ा सा पानी लिया है और स्टैंड रख दिया, और उसके ऊपर ये केक टिन रख देंगे। और इसे हम ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट करके रखे हैं वो हम ऊपर से मिला देंगे इस बैटर में। ये देखिए आप चाहे तो इसमें केसर भी मिला सकते हैं, भीगी हुई केसर ले सकते हैं, उसका भी कलर बहुत अच्छा आता है। और इसे तकरीबन 45 मिनट हम इसे बेक कर लेंगे और फिर देखेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया पक गया है, बिल्कुल भी नहीं टूथपिक पे चिपका है केक। और इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखिए कुछ गुड़ के पीसेस रह गए थे जो कि केक में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप बेहतर ही होगा अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, ये तो ऐसे पीस दिखाई देंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया केक बना है। इसे हम कट करके देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आप इसे सर्व कर सकते हैं टी टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इस रेसिपी को लाइक कीजिए और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।